तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही मजेदार सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत ही मजेदार है और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी सीख भी आपको देकर जाएगी। तो हुआ यूं कि यमराज जी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत ही यंग लड़के को लेने के लिए पहुंच गए। अब यमराज जी जैसे ही उसके सामने गए और उसको उठाया कि बेटा उठो, तुम्हारे चलने की बारी आ गई है। लड़का जैसे ही उठा घबरा गया, वो परेशान हो गया कि यमराज जी स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। अब लड़का घबरा गया और यमराज जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि थोड़े दिन पहले ही तो मैं जवान हुआ हूँ, अभी अभी मेरी शादी हुई है और थोड़े दिन पहले ही तो मेरे यहाँ पर लड़की हुई है, मेरे माँ बाप को कौन संभालेगा। यमराज जी ने कहा बिल्कुल नहीं, इसके लिए तुम्हारे पास अब समय नहीं है, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लड़के ने फिर से यमराज जी से विनती करी कि अरे मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, मैंने थोड़े ही दिन पहले अपनी पॉलिसी करवाई थी, तो मुझे माँ बाप को पत्नी को उसके बारे में बता तो देने दीजिए, मेरी जितनी भी संपत्ति है उसके बारे में अपनी फैमिली को बता तो देने दीजिए। लेकिन यमराज जी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ये मेरे पास लिस्ट है और इस लिस्ट में सबसे पहले सुबह तुम्हारा ही नाम है, तो सबसे पहले तुम्हें लेकर जाऊंगा, फिर मुझे दिन भर में बहुत सारे काम है, इसलिए सबसे पहले तुम चलो। लेकिन लड़का अभी भी माना नहीं। लड़के ने कहा अरे यमराज जी आप सुबह सुबह आ गए, मैं उठा ही था कि तुम मुझे ले जाने की बात कर रहे हो, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, चाय पीजिए, मैं भी चाय पीता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। अब इतनी रिक्वेस्ट करने पर यमराज जी मान गए, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं। अब लड़का थोड़ा सा चतुर था, उसने जो चाय बनाई उसमें थोड़ी सी नींद की दवाई मिला दी और उस दवाई वाली चाय को यमराज जी को पिला दिया। यमराज जी ने वो चाय पी और पीने के थोड़ी देर बाद ही वो सो गए। अब लड़के ने सोचा कि मुझे थोड़ा समय मिल गया है तो इसमें मुझे कुछ तो कर ही लेना चाहिए। उसने सोचा कि यदि आज का दिन मिल जाए तो मैं अपने बहुत सारे काम निपटा सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने माता पिता को बता सकता हूँ कि मेरी बाकी सारी चीजें कैसे व्यवस्थित रखी हुई है और आप उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो उसने यमराज जी की वो लिस्ट उठाई और उसका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था, उसने अपना नाम सबसे ऊपर से मिटाकर सबसे नीचे लिख दिया कि यमराज जी शुरू से शुरू करेंगे तो शाम होते होते मेरी बारी आएगी और तब तक मैं अपने दिन भर में सारे के सारे काम निपटा लूंगा। अब लड़के ने ऐसा ही किया, उसने अपना नाम सबसे ऊपर से मिटाकर सबसे नीचे लिख दिया और थोड़ी देर के बाद यमराज जी भी उठ गए। अब यमराज जी उठे तो लड़के ने कहा कि यमराज जी मैं तैयार हूँ, चलिए एक बार लिस्ट देख लीजिए उसके बाद हम चलते हैं। यमराज जी ने कहा यार मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि आज तक मैं जितने भी लोगों को लेने गया हूँ वो मेरे सामने खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाए, खूब परेशान हुए और उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति निकले जिसने मुझे चाय के लिए पूछा, मेरा सम्मान किया, मुझे बिठाया। तो यमराज जी ने उस लड़के को कहा कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं अपने लिस्ट को शुरू से नहीं आखिरी से शुरुआत करूंगा और आखिरी में जो व्यक्ति होगा उसको सबसे पहले ले जाऊंगा। तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि यदि आप ईश्वर की मर्जी के खिलाफ किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप ईश्वर की मर्जी में रहकर उनकी बातों को फॉलो करके जितनी भी चीजें उन्होंने कही है उसे अपने जीवन में अप्लाई करके आप आगे बढ़ते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।